नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप भीमान। आज हम लेसन नंबर 5 के 8 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ में हम इनके ऑप्शंस में भी जो इंपॉर्टेंट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। ठीक है, तो कितना फ्रेश वाटर है अर्थ के ऊपर जो पीने लायक है। फ्रेश वाटर मतलब पीने लायक पानी, डायरेक्ट हम जिसको पी सकते हैं, तो वो है 1% ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 98%, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। 96% जो सॉल्टी वाटर है, जो वाटर जो ओशियंस में होता है, वो 96.5% है, तो ये ध्यान रखना है आपने। 2% जो ग्लेशियर्स में या अंडरग्राउंड वाटर जो है वो 2% होता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट इन ओशियन वाटर आर ऑफ ब्लैंक काइंड्स। तो कितनी तरह की मूवमेंट्स होती हैं वाटर में, ओशियन वाटर में, तो ये होती हैं 3 तरह की। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी होती हैं 3? एक होती हैं सी वेव्स, ठीक है, वेव्स होती हैं, दूसरा ओशियन करंट्स होते हैं, और तीसरे होते हैं टाइड्स। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, 3 मूवमेंट होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरवल बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड इज। तो लो टाइड और हाई टाइड के बीच में टाइम इंटरवल कितना होता है, वो होता है 6 hours 13 minutes। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारे पास, सुनामी इज़ अ ब्लैंक वर्ड। तो ये कौन सा वर्ड है, चाइनीज़ बिल्कुल नहीं, फ्रेंच बिल्कुल नहीं, इंग्लिश बिल्कुल नहीं, ये जापनीज़ है। ठीक है, जापान का वर्ड है सुनामी। नेक्स्ट है हाई अली हो गया है यहाँ पर, इसको ठीक कर लेना हाजी अली। हाजी अली दरगाह इज़ लोकेटेड इन, तो हाजी अली दरगाह जो है वो मुंबई के पास पड़ती है, तो मुंबई के पास कौन सा सी पड़ता है, वो पड़ता है अरेबियन सी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक चीज़ आपने और इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है, ये जो है इसको लो टाइड जब होता है तभी इस दरगाह को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बताना है। फर्स्ट है हमारे पास, कोलकाता पोर्ट इज़ अ टाइडल पोर्ट, बिल्कुल सही है, टाइडल पोर्ट है कलकत्ता पोर्ट। नेक्स्ट है, टाइड्स अकर ट्वाइस अ डे, तो ये भी सही है स्टेटमेंट, टाइड्स जो हैं वो 2 बार आते हैं दिन में। नेक्स्ट है, टाइडल एनर्जी इज़ हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल एनर्जी को जो कोस्टल एरिया में है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस एनर्जी का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है, टाइडल एनर्जी इज़ नॉन रिन्यूएबल, ये वाला जो है बिल्कुल गलत है और यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, टाइडल एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो फर्स्ट है हमारे पास, फिशिंग ग्राउंड्स आर द एरियाज वेयर फिशेज आर स्टोर्ड। फिशिंग ग्राउंड्स जो हैं वो एरियाज होते हैं जहाँ पर फिशेज को स्टोर किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रविश है। फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं वो ओशियन और सी के ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और वहाँ पर अच्छी कंडीशंस होती हैं मछलियों के ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है कट जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर टू प्लांट्स, ये बात हो रही है जो वाटर प्लांट्स और एयर में ट्रांसफ़र होता है उस ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर टू प्लांट्स फ्रॉम द एयर, तो ये यहाँ पर टू एयर फ्रॉम द प्लांट्स होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट है, द अर्थ रिसीव्स मेजर पार्ट ऑफ प्योर वाटर थ्रू रेनफॉल, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। रेनफॉल के थ्रू ही अर्थ मेजर पार्ट रिसीव करती है प्योर वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द कंडेंस्ड आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रो इन साइज एंड अनेबल टू फ्लोट दे फॉल डाउन ओवर द अर्थ सरफेस एज। तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन आपको पता है, पानी गर्म हो जाता है, भाप बन के उठता है, वाटर वेपर्स बनते हैं, जो वेपर बनते हैं उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन जब ये जो है ऊपर जाके टाइनी जो वाटर वेपर्स हैं ऊपर जाके टाइनी ड्रॉपलेट्स में या फिर आइस क्रिस्टल में बदलते हैं उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और रेनफॉल का तो आपको पता ही है, बारिश जो होती है उसी को रेनफॉल बोलते हैं। यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, रेनफॉल में सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, और आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो है प्रेसिपिटेशन में आता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बनता है
तो आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू वेरी मच।